हेलो फ्रेंड्स, गिल्ड मेंटोर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे सोडा स्वागत है। अज 18 मई है ते आप रेडी अपने करंट अफेयर सेशन दे नाल। करंट अफेयर सेशन जो कि इंपोर्टेंट है डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स पंजाब पटवारी पीपीएससी पीसीएस एसएससी सीजीएल सीएचएसएल या होर बैंकिंग एग्जाम्स दे लई या जिन्ने भी होर गवर्नमेंट एग्जाम ने उन्हें हर एक दे लई सेशन इंपोर्टेंट है। सेशन नू लाइक एंड शेयर जरूर करते रहो, जिथे भी शेयर कर सकते हो, जिथे भी तुसी अपने फ्रेंड्स दे नाल जुड़े हुए हो काइंडली सेशन नू शेयर करना स्टार्ट कर। डिफरेंट डिफरेंट बैचेस लॉन्च किए गए हैं, चाहो तो एनरोल करवा सकते हो। एनरोल करवाने के लिए सिंपली एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो या फिर वैबसाइट पर विजिट कर सकते। वैबसाइट का लिंक इत्थे दिता हुआ है। चैनल नू फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो सबसक्राइब जरूर कर लो। स्टार्ट करेंगे सेशन। सब तो पहले बेसिकली और न्यूज़ ने जिन्होंने कल MCQ फॉर्म के डिस्कस किया उन्हां दी रिवीजन है, लेकिन अज न्यूज़ सैशन दे विच काफ़ी ने, इस करके रिवीजन तुसी खुद करोगे। सारी दी सारी न्यूज़ डिटेल दे विच वन लाइनर दे विच दित्तियां हुई ने, स्टडी करनी है तुसी। और इस तो इलावा ये सारा कंटेंट पंजाबी दे विच भी अवेलेबल है, चाहो तो पंजाबी दे विच स्टडी कर सकते हो। आपां चलांगे अज दे मोस्ट इंपोर्टेंट फर्स्ट न्यूज़ दे। फर्स्ट न्यूज़ है Which day is observed as World Hypertension Day? World Hypertension Day किस दिन ऑब्जर्व किया गया? तो वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे 17 मई नू, 17 मई नू इस दिन नू ऑब्जर्व किया गया। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट रहेगा। इस तो इलावा इस दिन की थीम की है और डिस्कस करते हैं, होर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डेज ने उन्होंने बारे डिस्कस कर लेने हैं। सब तो पहले 17 मई नू वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे ऑब्जर्व किया गया। ठीक है, थीम रही मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली। मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली, कंट्रोल इट लिव लोंगर, कंट्रोल इट लिव लोंगर। ठीक है जी, इस तो इलावा यह दिन पहली बार 14 मई नू ऑब्जर्व किया गया सी 2005 दे विच। बेसिकली 2005 दे विच पहली बार 14 मई नू ऑब्जर्व किया गया सी, लेकिन बाद दे विच इसनू 17 मई नू हर साल ऑब्जर्व किया जाना शुरू हो गया। ठीक है जी, नैशनल डेंगू डे। इस तो इलावा नैशनल डेंगू डे भी 16 मई नू ऑब्जर्व किया गया, 16 मई नू नैशनल डेंगू डे। 6th यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक, रोड सेफ्टी वीक ऑब्जर्व किया जाता है। 6वीं बार 6वां एडिशन है यूनाइटेड नेशंस द्वारा ऑब्जर्व किया जाए। ठीक है, कदों तो लैके 17 मई तो 23 मई तक ऑब्जर्व किया जा रहा है, 17 मई तो 23 मई तक ऑब्जर्व किया जा रहा है। और इसकी थीम है स्ट्रीट्स फॉर लाइफ लव 30, स्ट्रीट्स फॉर लाइफ लव 30 थीम कह लिए या कैंपेन कह लिए। बेसिकली लव 30 का मतलब है कि जो स्पीड है, जो बेसिकली कुछ ऐसी प्लेसेस जिथे पब्लिक गैदरिंग ज़्यादा है या पब्लिक फॉर एग्जाम्पल स्कूल्स वगैरह ने, तो उत्थे की है स्पीड 30 की रखनी है, मैक्सिमम स्पीड 30 की होनी चाहिए है। यह इसकी थीम है या इसके लिए कैंपेन लॉन्च किया गया। इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगैदर इन पीस, इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगैदर इन पीस 16 मई नू ऑब्जर्व किया गया। इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट भी 16 मई नू ही ऑब्जर्व किया गया। बेसिकली इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट की अगर आप गल करते हैं तो जो लेज़र लाइट है, जो लेज़र है इसकी फर्स्ट टेस्टिंग की गई सी 1960 दे विच, इसकी टेस्टिंग की गई सी, इस करके इस दिन नू ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है जी, नेक्स्ट है सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डीपेस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन ओशन। इंडियन ओशन का डीपेस्ट पॉइंट की है? बेसिकली एक रिपोर्ट जारी की गई, इस रिपोर्ट के अनुसार डिफरेंट डिफरेंट ओशनज ने, जो 5 ओशनज ने जो इन्हों की डीपेस्ट पॉइंट रिलीज किए गए हैं, रिसर्च की गई है, जारी किए गए हैं। ठीक है, तो इंडियन ओशन का डीपेस्ट पॉइंट की है? अननेम्ड डीप, अननेम्ड डीप। ठीक है, ये न्यूज़ थोड़ी पुरानी हो गई है, स्किप हो गई सी अपने तो, इस करके डिस्कस कर रहे हैं। अननेम्ड डीप इंपोर्टेंट बनेगा, पंजां दे डीपेस्ट पॉइंट और पंजां दी डिस्टेंस, जो डीपेस्ट पॉइंट दा डिस्टेंस है। अकॉर्डिंग टू अ
रिसर्च अ लिस्ट ऑफ डीपेस्ट पॉइंट रिलीज्ड। ब्राउनसन डीप अटलांटिक ओशन का डीपेस्ट पॉइंट है। ब्राउनसन डीप अटलांटिक ओशन का डीपेस्ट पॉइंट है 8378 मीटर्स। फैक्टोरियन दीप साउदर्न ओशन का डीपेस्ट पॉइंट है 7432 मीटर्स। अननेम्ड डीप इंडियन ओशन का डीपेस्ट पॉइंट है। इंडियन ओशन का डीपेस्ट पॉइंट है 7187 मीटर। चैलेंजर डीप ये हर एक ने सुनिया होएगा। चैलेंजर डीप मरियाना ट्रेंच दे विच है। डीपेस्ट पॉइंट है पैसिफिक ओशन का 10924 मीटर, जिसनों आप डीपेस्ट पॉइंट इन ओशियंस के नाम तो भी जानते हैं। मोली होल डीपेस्ट पॉइंट है आर्कटिक ओशन का 5551 मीटर। ठीक है, जियोग्राफी के परस्पेक्टिव देते क्वेश्चन नु पूछा जाएगा। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट ऑफ वेरिस्क मैपलक्रॉफ्ट इस द्वारा एक लिस्ट जारी की गई है एनवायरमेंटल हैजर्ड्स की, कि बेसिकली जो डिफरेंट सिटीज़ ने उन्होंने इन्वायरमेंट के करके जो डिफरेंट हैजर्ड ने, फॉर एग्जाम्पल भूकंप हो गया, सुनामी होगी, या क्लाइमेट चेंज करके जो सब तो ज़्यादा इन्फेक्टेड एरिया ने अफेक्टेड एरिया वह कहे ने, तो सब तो फर्स्ट नंबर पर इस रिपोर्ट के कौन है, जकार्ता इंडोनेशिया, यानी कि हाईएस्ट रिस्क सिटी केड़ी है जकार्ता इंडोनेशिया दी। ठीक है जी, इस तो अलावा बेसिकली ये लिस्ट जारी की गई है 400 प्लस सिटीज़ दी, और इस 400 प्लस सिटीज़ दे विचों फर्स्ट नंबर पर जकार्ता इंडोनेशिया रही है, सेकंड नंबर पर दिल्ली रही है, थर्ड नंबर पर चेन्नई रही है, फोर्थ नंबर पर सूराबाया इंडोनेशिया रही है, और फिफ्थ नंबर पे चंडीगढ़ इंडिया रही। ठीक है जी, अगर आप गल करिए ओवरऑल पहली सौ सिटीज़ दे विचों 99 एशिया दिया ने और 43 इंडिया दिया ने। फर्स्ट 100 दे विचों 43 इंडिया दिया सिटीज़ ने, जिस दे विच दिल्ली सब तो ज़्यादा हाईएस्ट रिस्क ते है, और अगर ओवरऑल गल करिए तो जकार्ता हाईएस्ट रिस्क दे। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस ने। मैन सिंगल्स टाइटल ऑफ इटालियन ओपन जिसनों रोम ओपन के नाम तो भी जानिया जाता है, टेनिस का एक ईवेंट है। मैन सिंगल टाइटल किसने जीते है, तो इसनों जीते है रफल नडाल जो कि स्पेन तो बिलोंग करते हैं। ठीक है, इन्होंने नोवाक दजोकोविक नू हरा के, नोवाक दजोकोविक जो कि सर्बिया तो बिलोंग करते हैं, इन्हों हरा के इस टाइटल नू जीते। ठीक है, यह इन्हों का दसवां टाइटल है, यह इन्हों का दसवां इटैलीयन ओपन है। रफल नडाल का 10th इटैलीयन ओपन है, स्पेन तो बिलोंग करते हैं। ठीक है जी, इस तो इलावा रफल नडाल वैसे भी इंपोर्टेंट बनेंगे क्योंकि इन्होंने लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स परसन ऑफ द अवार्ड जीते इस साल का। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीते है, रफल नडाल ने। ठीक है जी, इस तो इलावा ऑस्ट्रेलियन ओपन एक इवेंट होया सी, वो इंपोर्टेंस ज़्यादा रहेगा क्योंकि ग्रैंड स्लैम्स दे विचों चार इंपोर्टेंट ग्रैंड स्लैम्स दे विचों सब तो इंपोर्टेंट या सब तो पहला ईवेंट है ऑस्ट्रेलियन ओपन, यह जितया सी नोवाक दजोकोविक्स जो कि सर्बिया दे प्लेयर ने, किन्हां नू हरा के, डैनियल मैदवदीव रशिया दे प्लेयर ने, रोजर फेडरल स्विट्जरलैंड दे प्लेयर ने। ठीक है जी, इस तरीके नाल इन्हां दी कंट्रीज भी पूछी जा सकती है। सिमिलरली वूमेन्स सिंगल टाइटल किसने जितया इटैलियन ओपन का, तो वूमेन सिंगल टाइटल जितया ईगा स्वाइतिक किस स्पोर्ट्स तो बिलोंग करते हैं, टेनिस तो बिलोंग करते हैं। वूमेन सिंगल टाइटल जीते है इटली का इटैलीयन ओपन, और किस कंट्री तो बिलोंग करते हैं, तो पोलैंड तो बिलोंग करते हैं। ईगा स्वाइतिक पोलैंड तो बिलोंग करते हैं। ठीक है जी, इस तो इलावा इन्होंने किसनों हरा के जीते, तो कैरोलीना प्लिसकोवा हरा के जीते, यह बिलोंग करते हैं क्रैच रिपब्लिक तो, कंट्री है क्रैच रिपब्लिक, उतों बिलोंग करते हैं कैरोलीना प्लिसकोवा। ठीक है,
इस तो इलावा सिमिलरली इंपोर्टेंट रहेगा नाम किसका, नायोमी ओसाका का। इन्होंने जितया सी ऑस्ट्रेलियन ओपन नायोमी ओसाका ने जितया सी जेनिफर ब्रैडी नू हरा के। नायोमी ओसाका USA तो बिलोंग करते ने, जेनिफर ब्रैडी नायोमी ओसाका जापान तो बिलोंग करते ने और जेनिफर ब्रैडी USA तो बिलोंग करते। ठीक है जी। इस तो इलावा नायोमी ओसाका रिलेटेड ही याद रखांगे, नायोमी ओसाका नू लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वूमेन ऑफ द ईयर अवार्ड दिता गया इस साल का। लॉरियंस स्पोर्ट्स वूमेन ऑफ द ईयर अवार्ड। ठीक है, नायोमी ओसाका। नेक्स्ट है तेजस्वनी शंकर किस स्पोर्ट्स तो बिलोंग करते हैं। तेजस्वनी शंकर एक स्पोर्ट्स परसन ने, किस स्पोर्ट्स तो बिलोंग करते हैं, इंडियन स्पोर्ट्स परसन ने। इस दा आंसर है नन ऑफ दीज, बेसिकली यह एक एथलीट ने इन्हों द्वारा एक ईवेंट जितया गया USA दे विच, डिस्कस कर लें न्यूज़ दे विच ने। तेजस्वनी शंकर ऑफ इंडिया बैग्ड मेन्स हाई जंप टाइटल इन बिग 12 आउटडोर ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप इन मैनहैटन USA दे मैनहैटन दे विच ऑर्गेनाइज की गई आउटडोर ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप। इस दे विच हाई जंप टाइटल जीते है तेजस्विनी शंकर, यानी कि हाई जंपर। इस तों इलावा अमेरिका दे एक बास्केटबॉल प्लेयर कोब ब्रायंट इन्हों का नाम हर एक नूं याद होएगा, लास्ट ईयर आपां डिस्कस किया सी। बास्केटबॉल दे प्लेयर ने अमेरिका तो बिलोंग करते हैं और इन्हों की क्रैश दे विच डैथ हो गई सी, एयरप्लेन क्रैश दे विच। ठीक है, इन्हों की डॉटर की डैथ हो गई सी एयरप्लेन क्रैश दे विच, और काफ़ी अच्छे प्लेयर थे बास्केटबॉल दे, इस करके इन्हों का नाम फेमस सी। और इन्हों हुण नायस्मिथ मेमोरियल बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम दे विच ऐड किया गया। इन्हों का नाम नायस्मिथ मेमोरियल बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम दे विच ऐड किया गया। ठीक है जी। नेक्स्ट है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक सिक्किम अ हिस्ट्री ऑफ इंटीग्रू एंड अलायंस। इस बुक दे राइटर कौन ने, इस बुक नू लिखिया गया है प्रीत मोहन सिंह मलिक। याद होएगा पर 16 मई नू एक दिन ऑब्जर्व किया है, किस केड़ा दिन ऑब्जर्व किया है, अपने ऑब्जर्व किया है सिक्किम दा फाउंडेशन डे ऑब्जर्व किया है या स्टेटहुड डे ऑब्जर्व किया है। ठीक है जी, और इसी दिन के उपलक्ष्य दे विच इस बुक नू रिलीज़ किया गया है। इस बुक दे राइटर ने प्रीत मोहन सिंह मलिक। ठीक है जी। इस तो इलावा बाकी ऑप्शनस दे विच तीन नाम ने, तिना द्वारा कोई ना कोई बुक लिखी गई है। विनोद कापरी 1232 किलोमीटर्स बुक दे राइटर कौन ने, विनोद कापरी। नेहा सिन्हा वाइल्ड एंड विलफुल। जीत थाइल नेम्स ऑफ द वूमेन बुक दे राइटर कौन ने, जीत थाइल। ठीक है जी, बुक्स दे विच्चों एक क्वेश्चन काफ़ी इंपोर्टेंट बनता ही बनता है, हर एक एग्जाम दे विच अपॉइंटमेंट्स देते हो क्वेश्चन होंगे ने। ठीक है, स्पोर्ट्स न्यूज़ दे विच क्वेश्चन होंगे, तो हर एक न्यूज़ ज़्यादातर कोशिश है कि कवर करते चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन नेम्ड एज COP26 पीपल्स एडवोकेट फॉर यूके प्रेजिडेंसी ऑफ यूनाइटेड UN क्लाइमेट चेंज समिट टू बी हेल्ड इन ग्लासगो। इतने थोड़ी मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है, प्रेजेंसी बेसिकली याद होएगा कि COP26 समिट है यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ दी समिट है जी, क्लाइमेट चेंज के उत्ते होंगी है। यह कितने ऑर्गेनाइज की जाएगी, इस साल ग्लासगो स्कॉटलैंड यानी कि यूनाइटेड किंगडम की प्रेजेंसी के अंडर होएगी, यूनाइटेड किंगडम के ऑर्गेनाइज की जाएगी। इस दे लई पीपल्स एडवोकेट अपॉइंट किए गए ने, की नाम है डेविड एटन बोरो।
ठीक है जी। और इसी नू हैड कौन करेंगे, इसी नू हैड करन दे लिए प्रेजिडेंट कौन बनाए गए ने इस दे, आलोक शर्मा। फर्स्ट ऑप्शन आलोक शर्मा हैड बनाए गए सी, लास्ट ईयर डिस्कस किए सी अपने ने, डेविड एटनबोरो पीपल्स एडवोकेट अपॉइंट किए गए, ठीक है जी। इस तो इलावा बाकी तीन ऑप्शन न्यूज़ के विच ने काफ़ी इंपोर्टेंट न्यूज़ ने इन रिलेटिड डिस्कस कर लेने हैं। तो सब तो पहले एंड्रिया मेजा, एंड्रिया मेजा एक इंपोर्टेंट नेम है, मैक्सीको तो बिलोंग करते ने, इन्हों ने 69th मिस यूनिवर्स टाइटल जीते, मिस यूनिवर्स टाइटल किन्ना द्वारा जीतया गया है, तो एंड्रिया मेजा द्वारा जीतया गया, ठीक है। क्वेश्चन अजकल एग्जामिनर बेसिकली जो CGL लेवल दे एग्जाम्स ने या PPSC लेवल दे एग्जाम्स ने उन्होंने विच एग्जामिनर की कर रहा है, फर्स्ट ऑप्शन ना पूछ के रनर अप पूछ लेंदे, रनर अप यानी कि सेकंड पोजीशन पे कौन रहा है, तो सेकंड पोजीशन पे जूलिया गामा, जूलिया गामा जो कि ब्राज़ील तो बिलोंग करते हैं, ये रनर अप रहे ने, सेकंड नंबर पर रहे ने। तीसरे नंबर पर जैनिक मकेता पेरू दे, पेरू दी जैनिक मकेता सेकेंड रनर अप रहे ने, यानी कि तीसरे नंबर पर रहे, ठीक है। और इंडिया, इंडिया चौथे नंबर पर रहा, इंडिया चौथे नंबर पर रहा, इंडिया वालों पार्टीसीपेट किया एडलाइन कैस्टिलिनो, एडलाइन कैस्टिलिनो द्वारा, ठीक है जी। यह चौथे नंबर पर रहे ने इस ईवेंट के, यानी कि थर्ड रनर अप। एम एस नरसिम्हन कौन सी, ओबिट्री है, काफ़ी इंपोर्टेंट फेमस मैथमेटिशियन से, मैथमेटिशियन बेसिकली अगर मैथमैटिक्स की गल करते हैं तो मैथमैटिक्स के फील्ड के सब तो इंपोर्टेंट अवार्ड केड़ा है, एबल प्राइज़ है, ठीक है। एबल प्राइज़ है जो 2021 का किसने जितया सी, यह आंसर कमेंट बॉक्स में भी देने, दो इंपोर्टेंट नाम से आप डिस्कस किए हुए ने काफ़ी बार, कमेंट बॉक्स में भी दसना तुम इन्हों का नाम क्यों इंपोर्टेंट है, क्योंकि इन्हों वैसे तो पद्म विभूषण भी दिता जा चुका है, लेकिन इस तो इलावा शलेवर द आयोडर द मैरिट बेसिकली फ्रांस का अवार्ड है, फ्रांस का ऑनर है, हाईएस्ट ऑनर यह दिता गया सी इन्हों। इस तो इलावा श्री निवासा रामानुजन मैडल जीत चुके ने 1988 दे विच। इस तो इलावा यह ओनली इंडियन परसन सी, ओनली इंडियन परसन सी जिन्होंने किंग फाइजल इंटरनेशनल प्राइज़ जीतया सी, किंग फाइजल इंटरनेशनल प्राइज़ जीतया सी साइंस दे फील्ड दे विच। MS नरसिम्हन की सके मैथमेटिशियन। इस तो इलावा अवार्ड है एक भस्वश्री अवार्ड, भस्वश्री अवार्ड 2019 और 20 दे लिए अनाउंस किया गया है, 2019 का म्यूजिशियन पंडित राजीव तारानाथ नू दिता जाएगा, और 2020 का स्पेस साइंटिस्ट के कस्तूरी रंगन नू दिता जाएगा, ठीक है जी। अवार्ड भस्वश्री अवार्ड पंडित राजीव तारानाथ और डॉक्टर के कस्तूरी रंग, ठीक है जी। नेक्स्ट है NBA, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन इज द हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क के विच है, इसने अनाउंस किया एक नवा अवार्ड शुरू करन दे, इसने अनाउंस किया है कि असी एक नवा अवार्ड शुरू करांगे, किस दे नाम तो, करीम अब्दुल जाफर दे नाम तो, करीम अब्दुल जाफर बेसिकली सोशल जस्टिस दे लिए अवार्ड शुरू किया गया है करीम अब्दुल जाफर दे नाम तो, ठीक है जी। डिटेल इतने लिखी हुई है, अनाउंस द क्रिएशन ऑफ न्यू अवार्ड एज करीम अब्दुल जाफर सोशल जस्टिस चैंपियन। इस तो अलावा नृपेंद्र मिश्रा का नाम अगर कोई पुराना मेरे नाल जुड़ा हुआ है 2019 का 20 का, तो उत्थे आपां डिस्कस किया कि प्राइम मिनिस्टर दे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दे प्रिंसीपल सैक्रेटरी रह चुके ने, फॉर्मर प्रिंसीपल सैक्रेटरी रह चुके ने नृपेंद्र मिश्रा, इन्हों ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन जापान का जो हाईएस्ट ऑनर है उसके नाल सम्मानित किया जाएगा, ठीक है जी। कुछ दिन पहले याद होएगा पर डिस्कस किया श्यामाला गणेश का नाम, श्यामाला गणेश जो कि बेंगलोर बेस्ड टीचर से, इन्हों भी यह अवार्ड दिता गया है, प्लस नृपेंद्र मिश्रा भी इस अवार्ड के नाल सम्मानित किया। अर्जन भुल्लर फर्स्ट इंडियन ओरिजिन फाइटर बने ने, जिन्होंने टाइटल जीते है मिक्सड मार्शल आर्ट ईवेंट्स के, MMA टाइटल या मिक्सड मार्शल आर्ट ईवेंट दे विच टाइटल जीतने वाले फर्स्ट इंडियन फाइटर बने ने, इंडियन ओरिजिन फाइटर अर्जन भुल्लर, कैनेडा तो बिलोंग करते हैं बेसिकली। एस बालाचंद्रन नायर
ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਕੋਚ ਸੀਗੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਕੋਚ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਸ਼ੀ ਯੋਂਗਜ਼ੋਮ, ਤਾਸ਼ੀ ਯੋਂਗਜ਼ੋਮ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਵੂਮੈਨ ਬਣੇ ਨੇ ਟੂ ਕਲਾਈਂਬ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਇਨ 2021। 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੂਮੈਨਸ ਦੁਆਰਾ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਸਟ ਵੂਮੈਨ ਬਚੇਂਦਰੀ ਪਾਲ ਸੀਗੇ, ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਵੂਮੈਨ ਬਣੇ ਨੇ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਕਲਾਈਂਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਾਸ਼ੀ ਯੋਂਗਜ਼ੋਮ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈਜ਼ ਲਾਂਚ ਵੈਦਿਆ ਆਪਕੇ ਦੁਆਰ ਸਕੀਮ, ਵੈਦਿਆ ਆਪਕੇ ਦੁਆਰ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਵੈਦ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਆਯੂਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਯੂਸ਼ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੁਆਰਾ ਵੈਦਿਆ ਆਪਕੇ ਦੁਆਰ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਆਯੂਸ਼ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਜੋ ਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀਪਦ ਯਸੋ ਨਾਇਕ ਲਵੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਰੰਟਲੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਯੂਸ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਫਰੀ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਗੇ ਬਾਈ ਯੂਜਿੰਗ ਆਯੂਸ਼ ਕਿਓਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰੇਲਵੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੁਆਰਾ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਜ਼ਾਰੀਬਾਗ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਕਿ ਜੋ ਹਜ਼ਾਰੀਬਾਗ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਈਫਾਈ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰੀਬਾਗ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 6000ਵਾਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਾਈਫਾਈ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਾਈ ਯੂਜਿੰਗ ਰੇਲਟੈਲ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਦ ਪੈਲੀਓਨਥਰੋਲੋਜਿਸਟ, ਪੈਲੀਓਨਥਰੋਲੋਜਿਸਟ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੋ ਆਰਕਿਓਲੋਜਿਸਟ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੈਲੀਓਨਥਰੋਲੋਜਿਸਟ, ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਊ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿ ਡਾਇਨਾਸੋਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਪੀਸੀਜ਼, ਜਿਸਨੂੰ ਟੋਕੇਟਿਵ ਡਾਇਨਾਸੋਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਲੱਭੀ ਹੈ? ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਲੱਭੀ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੇਸਿਕਲੀ 2013 ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਕਾਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਫਾਈਨਲੀ ਇਸਨੂੰ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹੁਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ, ਯਾਰਖਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਸਟੀਮੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ 73 ਮਿਲੀਅਨ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਫੋਸਿਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਜਾਇੰਟ ਫਰੋਗ ਲੱਭਿਆ, ਜਾਇੰਟ ਫਰੋਗ ਐਜ਼ ਬਿਗ ਐਜ਼ ਅ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਬੋਡੀ, ਹਿਊਮਨ ਬੋਡੀ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਫਰੋਗ ਲੱਭੇ ਗਏ ਨੇ ਸੋਲੋਮਨ ਆਈਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਿਸਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਚਾਈਨਾ ਦੁਆਰਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਜ਼ੁਰੋਂਗ, ਜੋ ਰੋਵਰ ਹੈ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਜ਼ੁਰੋਂਗ, ਇਸਨੂੰ ਲੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਾਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਮਿਸ਼ਨ ਭੇਜਿਆ ਮਾਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, UAE ਨੇ ਮਿਸ਼ਨ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਹੋਪ ਮਿਸ਼ਨ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ, ਹੋਪ ਪ੍ਰੋਬ, ਔਰ ਤੀਸਰਾ USA ਨੇ ਮਿਸ਼ਨ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰਿਜ਼ਰਵੈਂਸ ਮਾਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਮਿਸ਼ਨ ਤਿੰਨੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟ ਔਰ UT, ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਜਾਂ UT ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਟੂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ₹5,000 ਟੂ ਬਿਲੋ ਪੋਵਰਟੀ ਲਾਈਨ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਐਡ COVID-19 ਰਿਲੀਫ, COVID-19 ਦੀ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ₹5,000 ਬਿਲੋ ਪੋਵਰਟੀ ਲਾਈਨ BPL ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਮਾਊਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਸਿਮਿਲਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾਜ਼ ਨੂੰ, ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਡਰਾਈਵਰਸ ਔਰ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਅਮਾਊਂਟ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਫਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ₹5,000 ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਔਰ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਇਸਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ QSAT, ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ QSAT, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨੌਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫਸਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਐਰੋਸਪੇਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੌਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫਸਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਰੋਸਪੇਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲੱਦਾਖ ਦੁਆਰਾ ਸਿੰਧੂ ਦਰਸ਼ਨ ਫੈਸਟੀਵਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਸ਼ਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ ਸਿੰਧੂ ਦਰਸ਼ਨ ਫੈਸਟੀਵਲ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਜੇ ਲਈ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਡਿਊ ਟੂ COVID-19। ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਆਈ ਹੋਪ ਸਾਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ
पसंद आया होएगा लाइक एंड शेयर काइंडली जरूर कर दे रहो अपने फ्रेंड्स के नाल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन। गुड बाय।